दोस्तों, अगर आपकी स्किन ढीली पड़ गई है, झुर्रियाँ पड़ गई हैं, झाइयाँ पड़ गई हैं और चेहरे पर चमक नहीं आती है, पिंपल्स हो गए हैं ऐसे जो बहुत जिद्दी हैं और जाते नहीं हैं, तो मैं ये दावे के साथ आपको इस औषधि का प्रयोग बता रहा हूँ। और ये मेरा दावा है कि ये वीडियो आपके पास रहेगी और इसे 1 से 2 हफ्ते या 3 हफ्ते प्रयोग करके देखें और इसका फर्क नजर आए तो मुझे कमेंट करना और ना आए तो भी मुझे कमेंट करना, क्योंकि ये मेरा दावा है और आजमाया हुआ है। कोई भी उम्र हो, यंग एज हो, अधेड़ हो या एजिड हो गए हो, क्योंकि स्किन जो होती है उसका टोन धीरे धीरे खराब होने लगता है और कुछ का तो जवानी नहीं होता है। चेहरे पर चमक ना आना, ढीलापन होना स्किन में, झाइयाँ झुर्रियाँ, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। अगर आप भी इन्हीं चीज़ों से परेशान हैं तो ये औषधि आपके लिए कमाल का काम करने वाली है चमत्कारी रूप से। तो मैं अशोक त्यागी दिव्य नुस्खे में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं इसके पूरे गुण बताऊंगा, ये क्या चीज़ है और कैसे यूज होती है। तो बने रहें अंत तक वीडियो में, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ जो आज मैं जड़ी बूटी लेकर आया हूँ, मेरे पास ये थोड़ी मात्रा में ही है, लेकिन आप पंसारी की दुकान से जाएंगे तो बहुत आसानी से आपको ये मिल जाएगी, ज़्यादा महंगी भी नहीं है। तो इसका नाम है समुद्री फैन। ये समुद्र से प्राप्त होने वाली औषधि है। दोस्तों, अगर किसी भी भाई को पिंपल्स हों, झाइयाँ हों, जैसे गर्भावस्था के बाद या किसी भी बीमारी के कारण अगर झाइयाँ पड़ गई हैं, काली काली, बहुत चेहरा भद्दा लगता है, काले निशान हों, चेहरे पर चमक ना हो, ढीलापन हो, चेहरे पर मुर्दान की सी छाई रहती हो, अगर आपके पास 7 ये लक्षण हैं तो ये आपके लिए है समुद्री फैन। तो इसके फायदे के बारे में आइए जान लेते हैं और इसकी मैं विधि भी बताऊंगा साथ साथ, तो वीडियो में बने रहें। दोस्तों, ये समुद्री फैन, अगर आपको, सबसे पहले मैं पिंपल्स की बात कर लेता हूं, अगर आपको पिंपल्स हैं, मुहासे निकलते हैं, अंदरूनी हों या बाहर के हों, और बहुत भद्दे निशान छोड़ जाते हैं, उनका ये इलाज 70% है। करना क्या है आपको, ये पंसारी की दुकान से ले आनी है, समुद्री फैन के नाम से मिल जाएगी। इसका पाउडर बना के रख लें, 1 चम्मच नीम की पत्तियों का पाउडर, 1 चम्मच समुद्री फैन का पाउडर, 1 चम्मच चंदन का पाउडर, 1 चम्मच तुलसी की पत्तियों का पाउडर। ये चारों चीज़ें अच्छे से बराबर अनुपात में मिलाकर एक एयरटाइट डिब्बे में रख लें और हफ्ते में 2 बार कर लो, हफ्ते में 2 बार या 1 दिन छोड़कर भी कर सकते हैं। उस पाउडर को पानी में पेस्ट बनाएं और चेहरे पर अच्छे से अप्लाई करें और 10 से 15 मिनट लगा रहने दें, उसके बाद उसे अच्छे से साफ पानी से धो दें। आप ऐसा 8-10 दिन करेंगे तो आपको खुद नहीं, पड़ोसी को पता चल जाएगा कि ये सच में कुछ ना कुछ कर रहा है। चेहरे पर चमक आएगी, पिंपल्स ठीक हो जाएंगे और आप युवा देखने लगेंगे। और झाइयों में भी यही करना है, 1 चम्मच नींबू के रस में 1/2 चम्मच इसका पाउडर मिला लें और उसमें 1 चम्मच गुलाब जल डाल लें, उसे अच्छे से पेस्ट बन, मतलब बना लें उसका पेस्ट सा, और उसके बाद में उसे चेहरे पर अप्लाई करें हफ्ते में 3 दिन या 2 दिन। तो धीरे धीरे 2-3 हफ्तों में आप देखेंगे कि आपके चेहरे पर जो झाइयाँ, दाग धब्बे या कालापन या जो रूखापन था वो बिल्कुल ख़त्म होकर एक बहुत ही बेहतरीन चमक और एक उमंग भरी जो खुशी आपको मिलेगी वो उसे बयान नहीं कर पाओगे आप। तो ये समुद्री झाग सच में बहुत ही कारगर चीज़ है। दोस्तों, इसका अगला जो फायदा है वो बालों के लिए है। अगर किसी भाई के बाल ऐसे सफ़ेद हो गए हों, रूखे रहते हों, तो समुद्री फैन का 1/2 चम्मच 1/2 गिलास पानी में घोल लें, उसे अच्छे से पेस्ट बना लें और उसे स्कैल्प पर जो है अच्छे से अप्लाई करें और आप देखेंगे कि जो उनमें सफ़ेदपन था, जो कम उम्र में सफ़ेदी आ जाती है, उसका ये कारगर है। और स्कैल्प पर इसे बालों पर अप्लाई करके 15 से 20 मिनट में धो दें तो आप देखेंगे, हफ्ते में 2 बार करें, आप देखेंगे कि 3-4 हफ्ते में आपके बाल सिल्की, घने और बिल्कुल काले हो जाएंगे। ये इसकी बहुत बड़ी खासियत है। तो दोस्तों, ये वीडियो मैंने उन भाइयों के लिए बनाई है जो यंग एज में बहुत परेशानी, स्किन की प्रॉब्लम से जो है दुखी रहते हैं,
तो वे इस समुद्री फेन का प्रयोग जरूर करें और मुझे कमेंट जरूर दें कि क्या हुआ। आप देखेंगे कि चमत्कारी परिणाम आपको मिलेंगे और आप मुझे धन्यवाद अदा करेंगे, ये मैं जानता हूँ, क्योंकि ये 100% आजमाया हुआ और बहुत लोगों पर यूज़ किया गया नुस्खा है। तो मिलते हैं ऐसी किसी जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।